तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपनी फेडरल गवर्नमेंट के बारे में इट इज अ सिस्टम मेड अप ऑफ अ स्ट्रांग नेशनल गवर्नमेंट एंड स्मॉलर लोकल गवर्नमेंट्स तो हमारी फेडरल गवर्नमेंट किन दो गवर्नमेंट से बनती है ये बनती है हमारी एक स्ट्रांग नेशनल गवर्नमेंट से यानी कि हमारी जो قومي गवर्नमेंट है एंड स्मॉलर लोकल गवर्नमेंट्स और जो हमारी छोटे इलाकों की छोटी-छोटी गवर्नमेंट्स होती हैं जहां पे वो छोटे मसाइल को हल करती हैं क्योंकि अगर आप सिर्फ़ एक ही गवर्नमेंट रखोगे तो उसके लिए छोटे इलाकों तक पहुंचना, वहाँ के मसाइल को सुनना और वहाँ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा इसलिए बेहतर है कि दूर दराज इलाकों में उनकी गवर्नमेंट्स बनाई जाएं और वहाँ से उनके मसले वो गवर्नमेंट्स आके नेशनल गवर्नमेंट में या सेनेट में पेश करें देन this means that some areas are under the control of national and some are under the control of local government yani ki wahi baat ki kuch areas jo hai wo under the control of hote hain national government aur kuch areas under the control of local governments यानी कि सारे के सारे areas ना तो national government के under होते हैं ना ही सारे areas local government के under होते हैं बल्कि ये areas divided होते हैं कुछ नेशनल गवर्नमेंट देख लेती है और कुछ लोकल गवर्नमेंट्स देख लेती हैं और ये दोनों मिलकर बनाती हैं हमारी फेडरल गवर्नमेंट इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनल गवर्नमेंट्स अब हम बात कर लेते हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनल गवर्नमेंट्स गुड वे टू मैनेज लोकल इश्यूज़। अब जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वहाँ पे आप सिर्फ एक गवर्नमेंट के थ्रू पूरी कंट्री को कंट्रोल नहीं कर सकते इसलिए बेहतर होता है कि आप रीजनल गवर्नमेंट्स बनाओ यानी कि आपकी जो एक मेन गवर्नमेंट है उसको स्मॉलर पोर्शन में डिवाइड कर दो और जो आपके डिफरेंट रीजनस हैं उनकी डिफरेंट गवर्नमेंट्स बना दो ताकि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं या जो छोटे रीजनस हैं उनको भी अच्छे से कंट्रोल किया जा सके क्योंकि अगर किसी एक रीजन में किसी एक बंदे को मसला है या किसी एक पार्टी को या किसी एक सोसाइटी को मसला है तो फिर वो डायरेक्ट आपकी नेशनल गवर्नमेंट को अप्रोच नहीं कर सकती इसलिए बेहतर है कि हर रीजन की एक अलग गवर्नमेंट हो ताकि वो उस रीजनल गवर्नमेंट को अप्रोच करें और अगर तो मसला वहीं हल हो सकता है तो ठीक है वरना फिर उस मसले को आगे लेकर जाया जाए नेशनल गवर्नमेंट तक सो इट इज़ अ गुड वे टू मैनेज लोकल इशूज तो रीजनल गवर्नमेंट्स को बनाना इज अ गुड वे टू मैनेज लोकल इश्यूज यानी कि जो हमारे लोकल इश्यूज होते हैं छोटे मोटे मसाइल होते हैं जगह जगह के उनको मैनेज करने के लिए रीजनल गवर्नमेंट्स बनाना इज वेरी सुटेबल देर आर मेनी थिंग्स दैट अ गवर्नमेंट हैज़ टू डिसाइड अब हमारी जो गवर्नमेंट है जो हमारी एक मेन गवर्नमेंट होती है उसको बहुत सी चीज़ें डिसाइड करनी होती हैं जैसा कि स्पेंडिंग मनी ऑन द वेलफेयर ऑफ पीपल जैसा कि उन्होंने ये देखना होता है कि उन्होंने अपने लोगों पर कितना पैसा लगाना है अपने लोगों की वेलफेयर के लिए उनकी भलाई के लिए उन्होंने कितना पैसा अलग करना है अपने बजट में देन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स इसके अलावा उन्होंने बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करवानी होती हैं बनवानी होती हैं जैसे हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग्स हो गई स्कूल्स एंड ऑफिस की बिल्डिंग्स हो गई फिर रोड्स बनवानी होती हैं ब्रिजेस बनवाने होते हैं और बहुत सी बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट को देखने होते हैं इसके अलावा प्लान्स फॉर द फ्यूचर फिर उन्होंने ये भी देखना होता है कि अगर उन्होंने किसी और कंट्री का लोन वापस करना है या किसी बैंक का लोन वापस करना है तो उन्होंने कैसे वापस करना है इसके अलावा भी फ्यूचर को लेके बहुत से प्लान्स होते हैं उन्होंने देखना है कि उन्होंने अपने लोगों को नौकरियाँ देनी है उन्होंने स्कूल्स बनाने हैं उन्होंने अपनी एजुकेशन पर गौर करना है ऐसे बहुत से मामला होते हैं जो हमारी गवर्नमेंट को देखने पड़ते हैं फिर इम्पोर्ट्स कितनी है एक्सपोर्ट्स कितनी है स्पोर्ट्स में सब कैसा चल रहा है ये बहुत से मसाइल होते हैं जो कि बेसिकली हमारी गवर्नमेंट को देखने होते हैं ईच टाइम न्यू गवर्नमेंट इज चोजन टू रन द कंट्री इट हैज़ टू मेक अ प्लान जब भी इलेक्शंस होते हैं जो कि हर पाँच साल बाद होते हैं हमारी कंट्री में तो एक नई गवर्नमेंट आती है यानी कि जिस गवर्नमेंट को लोग इलेक्ट करते हैं लोग वोटिंग करते हैं वोटिंग के थ्रू लोग इलेक्ट होकर हमारी गवर्नमेंट में आते हैं तो जब भी कोई नई गवर्नमेंट बनती है तो उसको कुछ प्लान बनाने होते हैं गवर्नमेंट में आने से पहले जो वोटिंग कैंपेन्स चलाई जाती हैं इलेक्शन कैम्पेन्स चलाई जाती हैं उनमें आप लोगों को बताते हो कि आप क्या क्या आइडियाज़ रखते हो आपके क्या प्लान हैं फ्यूचर को लेकर कभी कभार उन प्लान्स पर काम होता है मेनी अ टाइम्स उन प्लान्स पर काम नहीं भी होता लेकिन आपने अपने लोगों को बताना होता है कि अगर आप हुकूमत में आ जाओगे तो आप क्या क्या तब्दीलियाँ लेकर आओगे आप किस सिस्टम पर ज़्यादा काम करोगे आपके क्या प्लान्स हैं आपके क्या आइडियाज़ हैं सो ईस टाइम अ न्यू गवर्नमेंट इज चोजन टू रन द कंट्री इज हैज़ टू मेक अ प्लान तो जब भी कोई गवर्नमेंट आती है हमारी उसको एक प्लान बनाना होता है और वो प्लान अपनी पब्लिक के साथ शेयर भी करना होता है समटाइम्स दीज प्लान आर हार्ड टू बी मेट कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आने वाली गवर्नमेंट्स होती हैं वो वादे तो बड़े बड़े कर देती हैं लेकिन गवर्नमेंट में आने के बाद दो प्लान जिनका वो जिक्र करते हैं आर हार्ड टू बी मेट उनको पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि सिर्फ बोलना तो आसान होता है कि हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे हम इस तरह चेंज लेकर आएंगे लेकिन जब आप गवर्नमेंट में आते हो तो एक्चुअली आपको गवर्नमेंट में आकर पता लगता है कि कहाँ कितनी प्रॉब्लम्स हैं मैनी पॉलिटिकल पार्टीज इन आर कंट्री ईच पार्टी हैज इट्स ओन लीडर एंड इट्स ओन प्लान्स अब हमारी कंट्री में बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं बहुत सी सियासी पार्टीज़ हैं जो भी पार्टी होती है उसका एक अपना लीडर होता है उसके अपने आइडियाज़ होते हैं उसके अपने प्लान होते हैं जब आप वोट मांगने आते हो तब आप वो प्लान लोगों को बताते हो आप अपने आइडियाज़ बताते हो आपका लीडर लोगों में जाता है लोगों से बातें करता है उनके मसले सुनता है और आप पूरी कोशिश करते हो कि आपकी जो पार्टी है उसको ज्यादा से ज्यादा वोट मिले ताकि वो गवर्नमेंट में आए और अपने आइडियाज पर काम कर सके वन पार्टी बिकम्स टू पावरफुल इट माइट मेक न्यू रूल्स अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी गवर्नमेंट में जो पार्टी आती है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है यानी कि उसका बहुत ही ज्यादा रोब और दबदबा बैठ जाता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है उसकी बहुत ज्यादा मानी जाने लगती है इट माइट मेक न्यू रूल्स तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो पार्टी रूलिंग पार्टी बन के आई है वो रूल्स को चेंज करने लग जाए अपने हक में रूल्स बनाने लग जाए अपने मिनिस्टर्स के हक में अपने चीफ मिनिस्टर्स के हक में उनके हक में रूल्स बनाना शुरू कर दे यानी कि मन मानी करना शुरू कर दे तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए फिर क्या किया जाता है इस चीज को अवॉइड करने के लिए बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन इज अ अ कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ रूल्स इन द कंट्री मस्ट फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है अ सेट सेट ऑफ रूल्स रूल्स कुछ rules का एक जो कि होते हैं जो कि हर किसी को फॉलो करने होते हैं यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स लिखे हुए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आम आवाम के लिए हैं या सिर्फ हम लोगों के लिए हैं बल्कि एक प्रेसिडेंट को भी उन रूल्स को फॉलो करना है मिनिस्टर्स को चीफ मिनिस्टर्स को गवर्नर्स को सब को उन रूल्स को फॉलो करना है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स हैं जब भी किसी कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स आते हैं तो वो रूल्स बहुत मुश्किल से बनाए जाते हैं मतलब उन पर बहुत बहस मुबासा होता है उसके बाद वो रूल्स फ़ाइनल किए जाते हैं और आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाते हैं लिहाजा उन रूल्स को फॉलो ना करना गलत समझा जाता है और इसकी सज़ा है इसलिए ज़रूरी है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स लिखे हुए हैं उनको फॉलो करना है और उनको हर किसी ने फॉलो करना है चाहे वो कितनी ही पावरफुल पार्टी क्यों ना हो उसके लीडर्स ने और उसके जो बाकी लोग हैं उन सब ने भी उन रूल्स को हर हाल में फॉलो करना होता है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स लिखे जाते हैं वो बहुत बहस मुबास के बाद लिखे जाते हैं बहुत सोच समझ कर लिखे जाते हैं क्योंकि उनका असर पूरी कंट्री पर पड़ना होता है इसीलिए उन रूल्स को चेंज करना या कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना हर किसी की जिम्मेदारी है और हर किसी पर वाजिब होता है यानी हर किसी को हर हाल में कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स को फॉलो करना है अब कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स कौन कौन से हैं इन पर हम बात करेंगे अपने कमिंग लेक्चर में अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा हाफिज़